सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यार, आज हम रिव्यू लेके आए एक कार का जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये है 2024 ह्युंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल। तो इसके क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, एक्सटीरियर्स कैसे हैं, इंटीरियर्स कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इंदौर या इंदौर के आसपास कहीं से हैं, ह्युंडई का कोई भी प्रोडक्ट लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आप प्रिंस ह्युंडई विजिट कर सकते हैं। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो गाइज, ये है क्रेटा का पेट्रोल मैनुअल का टॉप मॉडल जो कि SXO है। फ्रंट में काफ़ी मस्कुलर एलिमेंट्स है, मस्कुलर लुक्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। न्यू ह्युंडई का लोगो देखने को मिल रहा है, प्लस इसमें एडास भी आ जाता है। ब्लैक क्रोम का यूज़ करा गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर, LED हेडलैम्प सेटअप वगैरह जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आइए इनको पास से देखते हैं कैसे लगते हैं ये। तो ऊपर जो है ना, हमें कनेक्टेड DRLs देखने को मिल जाती है जो कि कंप्लीट LED सेटअप है। इसी में इंटीग्रेटेड हमें इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स है। तो काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पे ह्युंडई का लोगो और उसी के नीचे हमें 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और ग्रिल पे ब्लैक क्रोम का यूज़ करा गया जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देती है। LED सेटअप के साथ आती है कम्प्लीटली। और टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें इसमें नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि 17 इंच के हैं, और 215/60 17 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं, और ये चारों डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का स्टांस दिखता है हमें, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, बिल्कुल एसुविश स्टांस है ये इसका देखने में। यहाँ पे ORVMs भी हमें टर्न इंडिकेटर्स, प्लस उसी के नीचे 360 डिग्री का कैमरा भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और ब्लैक कलर में यार क्रेटा का मतलब कोई तोड़ नहीं। पीछे से अगर आके ब्लैक कलर की क्रेटा लाइट दे देना मिरर में, तो अच्छे से अच्छा बंदा को मालूम है कि साइड देना है इसको। यार मुझे अलॉय व्हील का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, मतलब आप चेकआउट करो कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं देखने में। और ये जो सिल्वर स्केटिंग का यूज़ करा गया ना, ये भी बहुत प्रीमियम लग रहा है। मतलब एकदम इसे फुल ब्लैक देते तो इतना अच्छा नहीं लगता। रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये आप चेकआउट कर सकते हो यार, मतलब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का बना दिया। कनेक्टेड हमें इसमें हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं फुल LED सेटअप के साथ। ये आप चेकआउट करो, नेक्स्ट लेवल का लुक मिल रहा है। ह्युंडई किया अपने डिज़ाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रियर में वॉशर, वाइपर वगैरह जैसे सारे फीचर मिल जाते हैं क्योंकि टॉप मॉडल है। यहाँ पे नीचे हमें क्रेटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स, बीच में रिवर्स की लाइट है। और ये आप चेकआउट करोगे ना बूट इसका, तो इसमें हमें 433 liters का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। सबवूफर भी इसमें मिल जाता है हमें। और एक लैंप भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी मतलब सफिशिएंट स्पेस है। आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो अपना लगेज आराम से आ सकता है। प्लस स्पेयर व्हील हमें अलॉय नहीं मिलता है, स्टील व्हील देखने को मिलता है जो कि 16 इंच का है, तो डिसेंट है। यहाँ पे ऊपर पार्सल शेल्फ मिल जाती है। तो यार मुझे तो इसके लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको लुक्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताओ। और ये साइड प्रोफाइल आप चेकआउट करो यार, मतलब कलर क्या प्यारा लग रहा है। प्लस ये मेरा तो व्हील्स पे से मतलब दिल आ गया एकदम ऐसा। और ये आप ये जो स्किड प्लेट का यूज़ करा गया है ना, मतलब ये सिल्वर कलर का, बहुत प्रीमियम लग रहा है। और ये आप चेकआउट करो, मतलब इंडिकेटर्स वगैरह चालू होने के बाद गाड़ी एकदम भुकाल लग रही है, तो मज़ा ही आ गया। अब अगर इसके इंजन की मैं बात करूँ ना, तो इसमें हमें 1500cc का पेट्रोल MPI इंजन देखने को मिलता है जो कि एक 4-सिलेंडर इंजन है। और ये प्रोड्यूस करता है 115 PS ऑफ मैक्सिमम पावर। और फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ ना, तो 17 KMPL ये पेट्रोल में दे देगी और डीजल में आपको दे देती है ये अप्रॉक्स 20 के आसपास। इंसुलेशन वगैरह भी है गाड़ी में, तो अंदर इतने नॉइजेस नहीं आते। अब यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, फ्रंट डोर कितना बड़ा लग रहा है। यहाँ पे सारे आपको विंडोज़ और ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और इसमें भी लीवर पे भी मतलब ऐसे सिल्वर फिनिश करा गया, तो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बोस के स्पीकर यहाँ पे भी हमें मिलते हैं और काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करा है ह्युंडई ने हमें। और जो लेदर वर्क का यूज़ करा गया ना, तो उससे हार्ड प्लास्टिक एलिमिनेट हुआ है। नीचे बॉटल होल्डर की स्पेसिंग मिल जाती है, प्लस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप रख सकते हैं। इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, एकदम प्रीमियम, एकदम फ्रेश इंटीरियर हमें इसमें देखने को मिल रहा है। मतलब एकदम कम्प्लीटली चेंज इंटीरियर से, ये कुछ इस तरीके से पूरी कनेक्टिंग स्क्रीन आती है, तो एकदम नेक्स्ट लेवल का फील हो जाता है। और ऊपर भी यहाँ पर हमें स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करो तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स हमें इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें AC के और म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। 6-speed गियर बॉक्स के साथ आती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। रिवर्स इसमें ऊपर पुली खींचा के इधर लगता है, यहाँ पे पुली ऊपर हो गई, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और ये इधर लग जाता है तो रिवर्स हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो होल्ड मतलब हिल असिस्ट वगैरह भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का बटन मिल जाता है आपको, कुछ इस तरीके का रियर भी है, आप चेकआउट कर सकते हो। बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर हमें इतनी बड़ी पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। रियर सीट की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की रियर सीट हमें इसमें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे बीच में हमें आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप बैठेंगे तो आपको एकदम कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिल जाता है, प्लस आपको आर्म को सपोर्ट मिल जाता है। और सीट कुशनिंग वगैरह की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, प्लस लेग रूम आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, उसके बाद अगर इतना लेग रूम मिल रहा है, आगे वाली सीट भी ऑलमोस्ट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। और हेडरूम की अगर हम बात करूँ तो ये आप चेकआउट करो, इतना हेडरूम मिल रहा है तो सफिशियंट है, ना आपके सिर टच होगा ना कहीं पाव टच होगा, तो काफ़ी सफिशियंटली आप जा सकते हैं। यहाँ पे हमें पॉकेट्स देखने को मिल जाती है दोनों सीट्स के पीछे, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। यहाँ पे रियर की अगर हम बात करूँ तो रियर एसी वेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ये एडजस्टेबल है, बट आप इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते पीछे। और यहाँ पे ह्युंडई ने है ना एयर फिल्टर जो आता था वो रिमूव कर दिया है कुछ। यहाँ पे ट्विन चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। और पीछे से अगर चेकआउट करो तो कुछ इस तरीके के इंटीरियर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो यार गाइज, अब अगर बात करें क्रेटा की प्राइसिंग की, जो नया मॉडल लॉन्च हुआ ये ना, इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है 10.99 लाख से, एक्स शोरूम प्राइजेस है ये, और ये टॉप मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस जाती है 19.99 लाख। तो जो ये एक्स शोरूम प्राइस थी, जो भी आपकी स्टेट या सिटी की प्राइस है वो आप शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप इंदौर या इंदौर के आसपास से हैं तो शोरूम की कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ। आप प्रिंस ह्युंडई पे फ़ोन लगा सकते हैं, टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं, आप अपना व्हीकल देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा एक ओवरव्यू कुछ ह्युंडई क्रेटा को लेके। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा और अगर यहाँ तक देख लिया तो यार नो डाउट अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।